साथियों बहुत जी बहुत नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आज प्रसारित प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी। दोस्तों आज की कहानी में हमारे साथ हैं भोजपुरी के सुपरस्टार संतोष रसीला जी, जो बिहार के आरा जिले से हैं। तो संतोष रसीला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। अमर भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल से जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको यहीं से सादर प्रणाम और आशीर्वाद का प्रतीक्षा। जी, तो संतोष रसिला जी, जैसा कि आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आप इतना अच्छा सिंगिंग करते हैं, इतनी अच्छी गायकी है आपकी, भोजपुरी स्टार हैं आप। लेकिन चूंकि हमारे प्रोग्राम का एक परिचय का एक सेशन होता है, तो परिचय में मतलब आपके घर परिवार और फैमिली में कौन कौन है, ये थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। जी, पहले मैं बता दूं कि जो कुछ भी हूं, मैं अपने श्रोता से ही हूं, जी, इसलिए मैं अपने आप को ना ही तो कोई सुपरस्टार कह सकता हूं, ना ही तो कोई सिंगर हूं, ना मैं कुछ भी हूं। अभी मैं एक बालक हूं, सीख रहा हूं। तो मेरे फैमिली में माता पिता हैं और मेरे और दो भाई हैं। दोनों भाइयों की शादी भी हो चुकी है, बड़े की भी हो चुकी है, छोटे की भी हो चुकी है। जी। और सिस्टर हैं, तो सिस्टर की शादी सबसे पहले हो गई थी क्योंकि हम सभी से बड़ी हैं वो। जी, तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब दो भाई हैं आप, तीन भाई हैं और एक सिस्टर है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी जानकारी के लिए। तो संतोष रसिला जी, बात करेंगे हमारे चूँकि दृष्टिबाधित साथियों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर। तो जी आपकी जी एजुकेशन शिक्षा कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कैसे आपने अपनी पढ़ाई शुरू की, तो ज़रूर बताएं इसके बारे में थोड़ा हमें। देखिए, पहले तो शुरुआती में कोई नहीं जानता है गांव देहात में कि ऐसा विद्यालय होगा। जी, ये सबसे बड़ी समस्या है। जी, पहले तो मेरे दिल में यही था कि मेरे अलावा दूसरा कोई अंधा व्यक्ति होगा नहीं, हाँ, जिसे गांव में कहते हैं लोग ना कि बिल्कुल बिल्कुल। तो एकदम बिल्कुल वही थिंकिंग थी। जी और मेरे घर के ठीक सामने जी एक प्राइवेट इंग्लिश स्कूल खुला जिसका नाम था शारदा शिशु निकेतन। अच्छा, तो वहां के जो सर थे, उन्होंने जी मुझे बुलाया जी और इतना ही नहीं, मुझे मतलब कि डेली डेली बुला करके मतलब बैठाना सिखा दिया कि क्लास में कैसे बैठते हैं। जी जी और वहां से भी मुझे काफी सारा प्राइज मिला, जी जी 15 अगस्त, 26 जनवरी तो या जी जी सरस्वती जी पूजा में। जी जी तो संतोष सर, ये जो प्राइज सब मिलते थे, ये सब सिंगिंग में भी मिलते थे, गायकी में मिलते थे, या मतलब पढ़ाई में क्षेत्र में आपको। जी, मैं आपको बता दूं कि जो भी कुछ मिला है मुझे ज्यादातर गायकी में ही मिला है। बिल्कुल और एक बार कॉपी और पेन मिला था पढ़ाई में। चलिए बहुत बढ़िया है, कॉपी और पेन पढ़ाई में भी मिलता है बहुत बढ़िया। पेंसिल भी खैर मिला। जी, तो बहुत अच्छा लगा जी और जी इससे मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कुछ और पढ़ूं जी जी तो बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि जी 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 तो बच्चों की थिंकिंग वही होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो संतोष असलीला जी, जैसे कि दोनों बातें होती हैं, मतलब एक तो पढ़ाई के साथ साथ गायकी को कैसे मेंटेन किया जाए, सिंगिंग को कैसे मेंटेन किया, मतलब एक सिंगर सिंगर भी हैं आप और आपने पढ़ाई भी जी की है, तो ये जी जी दोनों अरे चीज़ों में क्या कुछ बाधा पड़ती है, या आपने दोनों चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया, कैसे आप आगे बढ़े। इसमें इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई जी बाधा की बात नहीं है। जी 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 पढ़ाई के समय पे आप पढ़ाई कीजिए, जी जी सिंगिंग के समय पे सिंगिंग कीजिए, जी बिल्कुल, और खेल कूद के समय आप खेल कूद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोगों का जैसे ये मानना होता है, ये विचार रहता है कि सिंगिंग अगर हमारा बच्चा कोई कर रहा है तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं, नहीं तो लेकिन मैं बता देना चाहूंगा उन लोगों जी को जो लोग ऐसे सोचते हैं जी कि आप लोग की गलत थिंकिंग है, आप लोगों की गलत सोच है, आप लोग ऐसी सोच ना रखें। जी जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उस फील्ड में भेजने की कोशिश करें।
जी बिल्कुल बिल्कुल, उसे सारे अपॉर्चुनिटी दीजिए, वो सिंगिंग भी सीखे, गायकी भी सीखे, खेल भी सीखे, हर चीज़ सीखे, और उसमें से वो बिल्कुल क्या डिसाइड करता है अपने लिए, ये उसके ऊपर छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जी वो बिल्कुल अपने रुचि के अनुसार जो जाएगा ना, जी, तो आपने गांव का नाम रोशन करेगा, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा, अपने टीचर्स का नाम रोशन करेगा, अपने जी स्कूल्स का नाम रोशन करेगा। जी बिल्कुल। तो उस संतोष अरसिला जी आपसे जानना चाहेंगे कि वो पहला गीत क्या था या पहला वो कार्यक्रम क्या था, क्योंकि आप एक सिंगर हैं, तो पहला कार्यक्रम, पहला मंच कब मिला आपको, और कब ने आप पहली गीत गाई, और उस गीत के बोल क्या थे, क्या गीत था, हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। पहली गीत जो है वो जी मैं आपको क्या बताऊं, उस समय हमें कोई खास ज्ञान नहीं था गाने का, जी 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 और प्रोग्राम में मैं प्रोग्राम को देखने के लिए गया था। देखने के उद्देश्य से हर बच्चा जाता है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उत्साहित होकर के, तो जी, मैं भी गया था। तो प्रोग्राम चल रहा था तो भाई गाने की मेरी भी इच्छा हो गई, जी पवन जी का ही प्रोग्राम चल रहा था, तो जी 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 उन्होंने कहा कि इसको तो गवाएंगे ही गवाएंगे, क्योंकि क्या बात है, पवन जी तो मेरे पुराने दोस्त हैं, आप सभी जानते ही हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अगला वही उसी बात पर आ रहे थे। जी और अब वो चुनाव लड़ने वाले हैं आरा से, तो जी जी उसी समय जो है कि मैं गाना गाया जी जी मुसकी मार चवनिया चूमा दे दलेला अठनिया क्या बहुत बात अच्छा गाना आदरणीय है। जी मुन्ना सिंह जी का है, जी जी गाया हुआ, तो जी 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 काफी गाना अच्छा भी लगता था उस वक्त। जी जी और उस गीत को आज भी सुना जाए तो वो पुराना नहीं माना जाएगा, हाँ, उसको बड़े चाव से सुनेंगे जो भी जी सुनेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, भोजपुरी की एक अपनी ही अलग पहचान है, और भोजपुरी जो गीत होते हैं वो सीधे मतलब गांव समाज से जुड़े हुए गीत होते हैं, गांव समाज की जो घटनाएं हैं, गांव समाज का जो माहौल होता है, गांव समाज में जो कुछ चलता है, वो गांव समाज को ही प्रतिबिंबित होते हैं भोजपुरी गीत, और बहुत अच्छा जी लगता है भोजपुरी गीत सुनने में भी, और उसके बोल भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो आपने वो पहला मंच साझा किया था पवन सिंह जी के साथ, तो जी हम अगला प्रश्न पूछ रहे, तो पवन सिंह आज तो एक बहुत बड़ा नाम है, सुपरस्टार है। नाम ही नहीं जी है, जी आज के जो भी कलाकार उभरते हुए सितारे हो रहे हैं, जी उन हम जैसे कलाकारों के भगवान भी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मतलब फिर ये कड़ी शुरू हो गई आपकी, फिर आपने इसके बाद फिर आगे कहाँ से संगीत शिक्षा ली या क्या सीखा, आप तो हारमोनियम भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं, हमने सुना है ये आपको, आप बहुत सारे गीत आपके सुने हैं, तो ये सब चीजें जी कैसे सीखा आपने, कैसे धीरे धीरे फिर आप इस लाइन में और आगे बढ़े। ये जो है 96 में जो है कि मेरा एडमिशन हुआ श्री आदिनाथ नेत्रहीन मध्य विद्यालय धनपुरा आरा में, पहला अच्छा, ब्लाइंड स्कूल था वो जी जहां मेरा एडमिशन हुआ, और जी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला उस स्कूल से। हम्म, वहाँ के जो म्यूजिक टीचर थे आज भी हैं, जी, आज भी हैं लेकिन वो, हैं तो आज भी लेकिन इस समय कार्यरत नहीं हैं, अच्छा, रिटायर हो गए। श्री अजय मिश्रा जी। तो जी, उनके निर्देशन में सब कुछ हमारा हुआ। जी, वो ऐसे एक टीचर हैं, थे नहीं हैं भी, जी, जो कि हम लोगों को लगता ही नहीं था कि ये टीचर हैं कि ये स्टूडेंट हैं या हमारे जी दोस्त हैं कि क्या हैं। जी
उनको हम लोग थाली चोर कहा करते थाली चोर तो ये प्रसंग क्यों उनके साथ जुड़ा? प्रसंग इसलिए जुड़ा कि जी जब इसे खाना वाना खाते टाइम पे या नाश्ता टाइम पे जब वो आते थे, जी जी चुपचाप टेबल से किसी के प्लेट उठा लिए तो इसलिए उनका नाम जो है हम लोग थाली चोर रख दिए थे अच्छा चलिए क्या बात है, बचपन की जो यादें रहती हैं तो हमारे साथ हमेशा जिंदा रहती हैं। बिल्कुल बात जी सही जी है। जी तो संतोष रसिला जी, सर ने आपको सिखाया, आपको आगे संगीत की लाइनें पकड़ाई। तो जी चूंकि जी संगीत की बात हुई है, भोजपुरी संगीत की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं के लिए आपके मुख से जो भी एक गीत आपको पसंद हो, जरूर दो लाइनें उसकी गुनगुनाएं हमारे श्रोताओं के लिए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, जरूर अपने श्रोता रूपी भगवान लोगों को जरूर सुनाऊंगा, जी इसमें कोई शक नहीं है। कैसा गाना होना चाहिए? बस सुना दीजिए जो आपको पसंद हो। जी अच्छा, जो मेरे मन पसंद का होना चाहिए जी वो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले मेरा एक गाना रॉयल फिल्म नंबर 1 से आया था, अच्छा, प्यार गरीब के, शायद प्यार, आप सुने जी जी होंगे। प्यार गरीब के, तो वो काफी भी मेरे करीब है। अच्छा जी, बंटी बाबू का लिखा हुआ है अच्छा, और संगीत से सजाया है मेरे छोटे भाई मुकेश मुरारी जी ने। तो जी, बंटी बाबू ऐसे हैं जो कि लिरिक्सर तो कम लेकिन बड़े भाई ज्यादा। वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वही गीत दो लाइन अपने दर्शकों को सुना दूं। तू जी तो भूल गई लू जान, प्यार ये करीब के, तू क्या बात, तो भूल गई लू जान, प्यार ये करीब के, दोस्त तो हर नई खे दोस्त बाटे नसीब के, दोस्त तो हर नई खे दोस्त बाटे नसीब के। ये क्या बात है, बहुत गाना बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा था, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिल के करीब दर्द है। बहुत छुपा है इस गाने में, और जैसा कि एक आशिक का दर्द होता है, उस दर्द को बिल्कुल, बयान करता है ये पूरा गीत। तो संतोष आशिक गरीब जी है। जी 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 तो संतोष रसिला जी, जैसा कि हमारे जीवन में दोस्तों का बड़ा अहम रोल होता है, खासतौर से एक दृष्टिवादी साथी के जीवन में दोस्तों का बहुत रोल होता है, तो आपके जीवन में कौन कौन से जी दोस्त थे जिन्होंने आपके जीवन में अहम रोल अदा किया? मेरे लिए दोस्त नहीं है वो, जी, मेरे भगवान हैं। जी, बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों को दोस्त, समय पर दोस्त भी समझता हूँ, समय पर भाई भी हैं वो मेरे, समय पर भगवान भी हैं। क्या बात है, यानी हर रूप में वो आपके साथ हैं। बिल्कुल, जी, बहुत अच्छी आज बात है। मेरे पास में नहीं बैठे हैं लेकिन मेरे दिल में जरूर हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो संतोष रसिला जी, मतलब हमारे उन दृष्टिवादी साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कहीं पर भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी भोजपुरी के क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं, गायकी कर रहे हैं? खासतौर से हमारे ही एक मित्र जानने में है, अनूप उत्तराखंडी जी, शायद आप भी उन्हें जानते होंगे, या और भी जो हमारे दूसरे साथी हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे अनूप मतलब? मेरा छोटा भाई है, जी, बहुत अच्छा गायक है, जी, इसमें कोई शक नहीं। जी, उत्तराखंड के रहने वाला
जी उसके बावजूद भी इतना अच्छा भोजपुरी बोलना गाना हाँ सबके हाँ बस की बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मेरा भाई जहां भी रहे वो एकदम सदा खुश रहे, हमारी जी शुभकामना उसके साथ। जी और बाकी लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा जो उभरते हुए सितारे हैं, जी जी देखिए गायकी क्षेत्र में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, तो जी कंपटीशन के साथ साथ धोखाधड़ी का मामला भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं यही अपने भाइयों को बताना चाहूंगा जी कि आप लोग अपने करियर पर ध्यान दीजिए, ज्यादातर अपने जॉब के प्रति लगाव रखिए। जी जी पार्ट टाइम म्यूजिक है, क्योंकि जी जी अगर मान लीजिए आपके पास पैसे रहेंगे हाँ तो बहुत सारे गाने बनेंगे, जी जी आप फिल्म भी करेंगे, जी जी परंतु आप शुरू में जब लूट जाएंगे तो हाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल ऐसे माहौल हो गया है, कुछ ऐसे माहौल हैं जहाँ पर धोखे भी हो जाते हैं, तो खास तौर से इन सब मामलों से बचना चाहिए। और बिल्कुल जैसा कि आपने बोला कि म्यूज़िक पार्ट टाइम दूसरा जॉब होना चाहिए, म्यूज़िक मेन रूप से है, आप अपनी जॉब पर फोकस करिए। तो जी, जी बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है। और तो संतोष अरसिला जी, चलते चलते हमारे प्रोग्राम का भी अब समय हो रहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपने क्या अपने जीवन में गोल सेट किया हुआ है, आप मतलब आगे क्या करना चाहते हैं, कैसे आप संगीत लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, क्या मतलब क्या रोल है आपका आगे? देखिए, संगीत लाइन में जो है जी तो जी मेरे बचपन से ही जुड़ा हुआ संगीत है, जी जी लेकिन साथ ही साथ जब हमारे माता पिता ने पढ़ाने की कोशिश किया है, जितना भी उनसे हुआ उतना उन्होंने पढ़ाने की कोशिश किया, जी तो कहीं ना कहीं कंपटीशन के तरफ भी मेरा ध्यान है, जी दोनों तरफ है, जी जी चाहे जिसमें भी हो जाए। चलिए तो संतोष रसिला जी आप हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में, अपने जीवन के अनमोल समय दिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं एक बार फिर से सादर प्रणाम सभी को। जी।